हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेखा मटपाल ब्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और सभी छोटे भाई बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो गाइस, आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से, 6:15 हो रहे हैं और हस्बैंड जी चले गए हैं ड्यूटी और आज मैं सोऊंगी नहीं फिर कल मैं सो गई थी, बस फिर 7:15 तक मैं सोई रही थी, इसलिए मैं आज दोबारा सोऊंगी नहीं। और वैसे भी अब सोने का टाइम है नहीं, 6:15 हो गए हैं। तो अब मैं आज पानी ने भी आना है, हमारे यहाँ पे तीसरे दिन पानी आता है तो आज आया है पानी अभी। और तो अब मैं हो जाती हूँ शुरू, बनाना धोना पूजा साफ सफाई है ना, और रोज का यही काम है हमारा। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं आज पूरे दिन भर में क्या क्या होता है। और हाँ गाइस, जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको पता नहीं है, मेरा नाम रेखा जोशी है, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और रहती मैं दिल्ली में हूँ और मेरी ब्लॉगिंग भी दिल्ली में होती है। और ठीक है गाइस, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि मैं भी थोड़ा कुछ आगे कुछ कर पाऊँ। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सपोर्ट करें और चलो चलते हैं आज पूरे दिन भर का काम क्या क्या है क्या नहीं है सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और जैसे कि आज 25 दिसंबर है तो मेरे सभी भाई बहनों को सबको तुलसी पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी क्रिसमस डे सबको। सबसे पहले तो हमने ये गेहूं पिसा रखे हैं, आटा है तो इसको मैं ड्रम में खाली कर देती हूँ, ड्रम हो रखा है बिल्कुल खाली है तो, वरना फिर बाद में नहा के मैं इसको खाली करूँगी तो आटा ना कपड़ों में चिपक जाता है, तो इसको पहले उसमें पलट देती हूँ, ठीक है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मैंने ये आटा इसमें डाल दिया है और ड्रम भर चुका है, और जो ये थैला है इसको मैं दोहरे रख दूँगी क्योंकि ये अगली बार भी काम आएगा है ना आटा पिसाने के लिए, वरना फिर आटा इधर उधर वो होता रहता है, फिर थैले में भी स्मेल आने लगती है अगर पुराना आटा रहे ना पहले। तो मैं इसको धोने के लिए डाल दूँगी बाथरूम में। ठंड हो गई तो गाइस मैंने नहा लिया है और बहुत ठंड है, बाल मैंने धोए, आज मंडे है जैसे कि कल मैंने संडे को बाल धोया नहीं था, आज धोए हैं तो गीले हैं, मैंने तौलिया डाल लिया है सर पे और स्वेटर पहनती हूँ और हो गई हूँ मैं रेडी अपने साजो सिंगार के साथ। साजो सिंगार मैं ऐसा कुछ नहीं करती, मांग भरना, बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना, बस ठीक है। तो अब चलती हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए, पहले पूजा करके आती हूँ फिर आपके साथ चाय पीऊंगी, ओके। आओ रे दगड़ी और चाय पी जाओ, और रजाई में कौन कौन चाय पीता है, आ जाना, सारे काम कर लिए मैंने। और अब केक खा रहे हैं जी, देखो 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 हम क्रिसमस केक खा रहे हैं जी, देखो देखो बहुत टेस्टी है पापा, बहुत टेस्टी है। पापा रात को आएंगे फिर और भी चीज तो, खाएंगे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, बोल गाइस को तो बोल गाइस, गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग, कैसे आप सब लोग। तेरे को रोज सिखाना पड़ता है यार, तू ब्लॉग बनाना सीख ही नहीं अभी तक, तो सीख जाना चाहिए अभी तक। तो गाइस चाय पीते हैं और बच्चे भी उठ गए टाइम से, नहा धो लिया इन्होंने, और मैडम पूजा करके भी आ गई है। मम्मी जल्दी शादी बोलता कि ना 10 बजे 11 बजे तक ना ग्रीन में ही रहे, अपने बालकनी में खड़े रहे ना, वो गिफ्ट देगी हमको। अच्छा और तो सुंदर ड्रेस भी दिखाई, क्या कहते हैं, नमन गया है पूजा करने के लिए अभी, और आलू उबालने के लिए रखे हैं मैंने, आज मैं बनाऊंगी आलू के पराठे और मक्खन, आज मक्खन भी बनाना है मेरे को, आलू के पराठे और मक्खन खाएंगे है ना। और अभी चाय नाश्ता चल रहा है और फिर करते हैं नाश्ता थोड़ी देर बाद है ना। एक है ये वाला टूटी फ्रूटी वाला केक और एक है ये चॉकलेट वाला केक, दोनों बहुत टेस्टी है, आप भी खाइए। बुलबुल कह रही है मेरे को चॉकलेट वाला अच्छा लगा, लेकिन टेस्ट दोनों का अच्छा है। चॉकलेट वाला अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं बोला, अच्छा नहीं बोला मैंने, अच्छा नहीं लगा चॉकलेट वाला। तो ठीक है आप चॉकलेट वाला हम तेरे को नहीं देंगे, ठीक है।
कपड़े डालो। तो गाइस बाल मेरे अभी गीले हो रहे हैं और थोड़ा कपड़े हैं धोने के लिए, एक चादर निकाली थी चादर वगैरह धोने के लिए हैं, तो इनको मैं फटाफट से धो देती हूँ, भिगा देती हूँ, तब तक मैं पोछा लगाती हूँ और जल्दी काम करती हूँ, धूप भी जाने वाली है। बोल हमारी धूप से गिरी है। देखो गाइस मेरी ड्राइंग कैसी है गाइस, कलरिंग कलरिंग देखो मेरी कलरिंग कैसी है, कमेंट में बताना, कमेंट में बताना इसको। ए तो ये बैठ के कलर कर रही है ड्राइंग कॉपी में, तो और यहाँ तारीख है हमारी, थोड़ी सी धूप। ये देखो गाइस देखो मम्मी इधर चलो, इधर गाइस को दिखा दे रहा, देखो गाइस दिख रहे, अबे तू हटा, ये देखो कलाकार आ रहे हैं गाइस, ये देखो ये भगवान शिव जी है, ये क्या नाम था इनका, चक्रपति शिवाजी, ये नमन की चक्रपति नहीं होता, छत्रपति, छत्रपति शिवाजी हाँ। और ये गणेश जी, ये हमारे कलाकार महाजन, दिखाइए जरा, ए लगा भी दिखा, अच्छा बना है चूहा, तो अंदर रह चूहा डमरू जैसा बना दिया कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा ना। तो गाइस मैं कर लेती हूँ फटाफट से काम, बाल अभी गीले ही हो रहे हैं और फिर मिलती हूँ आपको, ठीक है, फटाक से काम करती हूँ फटाक से। ये देखिए गाइस मेरी मम्मी बहुत बिजी है, पोछा मार रही है, और ये तो बुलबुल रानी देखिए मूंगफली भी खा छील रही है और ये मटर भी छील रही है, एक कटोरा तो मैंने और बुलबुल ने मिलकर भरा है, अभी तो मम्मी पोछा मारने में जुटी हुई है। गाइस मैंने और भी अपनी ड्राइंग्स बनाई है पर इसमें नहीं, मेरी पहली वाली कॉपी में है, वो हिंदी की थी पहले, उसमें मैंने बना रखी है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस ये वो वाली है पुरानी मेरी ड्राइंग कॉपी, इसमें मैंने बाल श्री कृष्ण जी बनाए, कहाँ गया, ये शिव जी है, एक एक कान्हा जी ऊपर मटकी तोड़ रहे हैं, अरे शिव जी इधर गुस्से में नाच रहे हैं, इधर तपस्या कर रहे हैं, अरे शिव जी ऐसी मुद्रा में, अरे श्री कृष्ण जी है। तो गाइस आ गई हूँ मैं कपड़े वपड़े डाल के सारे काम करके, और अब बनाना है मुझे मक्खन। तो गाइस मेरे पास ये हो रखी है मलाई, एक कटोरी में ये है, और एक कटोरी में ये है, तो मैं इसको अभी मक्खन बना देती हूँ इसका फटाफट से। गाइस और इसने देख रसोई में मटर छीले, अभी मैंने इसको मटर छीलने के लिए दिए, इसने मटर छील के रखे और ये कूड़ा यहीं रखा हुआ है पूरा का पूरा। हाँ गाइस बोलो, जब मैंने आपका करला वो क्वेश्चन बोला था ना ईयर का, वो मेक सेंटेंस बता, वो आपने बता दिया नहीं बताया, किसी ने कोई कमेंट नहीं करा, वेरी बैड। तो गाइस फटाफट से मैं करती हूँ काम, और काम के पहले मक्खन बनाती हूँ और फिर बनाती हूँ टेस्टी टेस्टी पराठे और फिर खाते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने मक्खन बना लिया है और इसको गलाने के लिए मैंने गैस पे रख दिया है, ये हो रहा है गल रहा है, घी बन रहा है इसका, और ये मैंने खाने के लिए पराठे के साथ रख दिया है, इधर मैंने आलू उबाले हैं और इनको छील लेती हूँ फटाफट से और बनाती हूँ अब पराठे, ठीक है। और इधर मेरे साथ साथ में घी भी बन रहा है, दूध भी उबल गया, और साथ ही साथ मैं सारा काम करती हूँ, और मैं ना मक्खन इससे बनाती हूँ, इससे मेरे पास मिक्सी है नहीं अभी, तो इससे मैं मक्खन बनाती हूँ, और इससे आसान भी रहता है, ज़्यादा बवाल नहीं रहता ढोरे धाने का सब, है ना, क्यों वरना उसमें बनाओ तो जग विद हो और वो बिसाब करो, काफ़ी बवाल लगता है मेरे को उसमें, तो इससे ना आसानी से बन जाता। तो गाइस आइए पराठे खाइए मेरे साथ, पराठे मक्खन और चीनी, और ये है सब्जी, और तो आइए आप भी खाइए। सो गाइस ठंड हो गई है, स्वेटर पहन लिया दोबारा, और खाना खा के हमने बर्तन भी मैंने साफ कर दिए हैं, और बुलबुल मैडम को मैंने बोला था कि पढ़ाई कर, और ये देखो उसके खराटे निकल रखे हैं इधर।
मस्त होके खराटे ले रही है। चलो वो सो रही है, मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर। और नमन पढ़ाई कर रहा है, नमन तो होशियार बच्चा है बच्चे, सारा रामायण फैला के पढ़ रहा है, चाहे जो भी पढ़ रहा होगा फिर पढ़ रहा है। तो गाइस मिलते हैं शाम को चाय पे, तब तक करते हैं रेस्ट। सो गाइस शाम के 5 बज चुके हैं और मैं चाय ले आई हूँ बना के, तो अब चाय पी लेते हैं, उसके बाद करते हैं शाम के खाने पीने की और पूजा पाठ की, ठीक है? तो गाइस सब कपड़े वपड़े फैला के रख जाते हैं बच्चे मेरे। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय करा होगा। एंजॉय करा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं रेखा जोशी मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। सब तक अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। टाटा बाय।